वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है आज, उसका सॉल्यूशन भी, ठीक है, मतलब एनालाइज करेंगे कि भाई पेपर में क्या क्या आया हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन भी देख लेना आप, और क्या कहते हैं, ये सेट वन है। ऑलमोस्ट मैंने सारे सेट देख लिए हैं, सारे सेट सेम है, बट फिर भी मैं 2020 के जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं ये 1, 2, 3 तीनों सेट डाल दूंगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी में है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, नाइट्रोजन, मैं इंग्लिश में स्टडी कर लेता हूँ, वैसे हिंदी वालों के लिए क्या है कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं आराम आराम से मूव कर लूँगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पेपर, चलो भैया अब इंग्लिश का आ गया है, अब इंग्लिश का बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे लिए तो बड़ा इजी कर दिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भी दे दिया। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का? 7 है। ठीक है, तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी? 2 और 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 5। ठीक है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस करंट की हमें डेफिनेशन इसमें बतानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख, ये आपको एक पैराग्राफ गिवन था और इससे रिलेटेड आपको, भाई पहली बात तो सबसे बड़ी बात, पैराग्राफ में जाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इसमें साफ साफ गिवन है कौन से किसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। एक सेकंड, ये हिंदी में आराम से देख लीजिए आप। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स अब आ गया है। लिखा हुआ स्टेट द मेंडलीफ लॉ, मेंडलीफ लॉ के बारे में बता देना एक बार। ठीक है, फिर लिखा हुआ है व्हाई डिड मेंडलीफ लीव सम गैप्स इन पीरियोडिक टेबल, कि भाई उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीफ ने गैप क्यों दिए थे? क्योंकि उसको ऐसा अनुमान था, या फिर हम कह सकते हैं कि उसने ऐसा माना था कि जो स्पेस मैं छोड़ रहा हूँ वहाँ पर जरूर कोई ना कोई एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, इसलिए उसने स्पेस छोड़े थे। और इसका क्या कहते हैं, इसने लिखा हुआ कि भाई आर इसलिए क्या यूज़ किया था, क्या होगा? RH4RO2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोटोप क्या होता है? देखो, एक आइसोटोप था, एक आइसो बार था। ठीक है, तो आइसो बार, बार मतलब क्या होता है? भार, मतलब भारी, और भारी मतलब मास। जिसके अंदर मास क्या होगा? सेम होगा, उसे कहते हैं आइसो बार। और आइसोटोप जो बच गया उसमें क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो हम इसमें ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन हमारे को सही लगा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद ए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कर देना, और अभी जिन जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ है वो अपने आंसर की एक तरीके से चेक कर सकते हो, 1 मार्क्स के एनालाइज देख सकते हो भाई किसका क्या आंसर आना है। ठीक है, और आप जितना हो सकता है 10वीं के स्टूडेंट सारे शेयर करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। ठीक है, और चलो अभी देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट में भी क्या है, एक पैराग्राफ दे गिवन है। ठीक है, आपको पता ही है कि अब वन जो प्लास्टिक है सिंगल यूज़, वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी को स्टूडेंट पता होगा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम डिस्पोजल, जो भी डिस्पोजल यूज़ करते हैं, जो एक बार यूज़ कर कर फिर फेंक देते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कहीं पार्टियों में जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, गिलास आता है एक, उसका प्लास्टिक का, उसको यूज़ करते फिर फेंक देते हैं। इस टाइप के आपको दो बताने थे। ठीक है, और मेथड बताने थे भाई कैसे कैसे आप प्लास्टिक वेस्ट को क्या कहते हैं स्कूल के अंदर कैसे बचा सकते हैं कलेक्शन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये तो तुम्हें जनरल नॉलेज में ही पता होना चाहिए। लिखा हुआ है डू यू थिंक माइक्रोब्स विल वर्क सिमिलरली इन लैंड फिल साइट्स एज दे वर्क इन लेबोरेटरी, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आप अपना आंसर बताना था कि भाई किस तरीके से आप जस्टिफाई करते हो इस आंसर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हिंदी में है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, आराम आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते जाना। आगे बढ़ते हैं हम। लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया भी था ये अपनी क्लासेस में ऑफलाइन बैच के अंदर। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें थर्ड ऑप्शन सही लगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी इसलिए हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। वॉल्व इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो फ्लो बैकवर्ड। भाई जो वॉल्व होती है वो ब्लड को वापस नहीं आने देता। क्या होता है, वॉल्व क्लोज हो जाता है जैसे ब्लड उसमें भर जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ये बैक नहीं मारने देता। आगे बढ़ते हैं,
एनारोबिक प्रोसेस क्या होता है? एनारोबिक में क्या होता है? टेक प्लेस इज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन, सबसे ज़्यादा मतलब डाइजेशन किस पोर्शन में होता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि भाई पहले माउथ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ में सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आपका स्टूडेंट्स, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना कि माउथ के अंदर किस चीज़ का डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो सारा एब्जॉर्प्शन है, मोस्ट पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन के बारे में कि भाई कौन सा प्रोसेस होता है, बताओ कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी में एक बार आप देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि जो नेक्स्ट ईयर न्यू स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, जो अब 9th में 10th में आए हैं, तो उनके लिए भी एक यूज़फुल वीडियो रह सके, सही। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ़ द पर्सन हैज़ 5 रजिस्टर ईच ऑफ वैल्यू ऑफ 1/5 ओम, देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैन ऑब्टेन। भाई आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे ऑब्टेन करेंगे, सीरीज में लगाओ चाहे पैरेलल में? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम कि भाई देखो पैरेलल केस में क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + R2 + इस टाइप पे एंड सोन, कहाँ तक, R5 तक, ये तो होता है। अब सीरीज की बात करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, सीरीज में होगा, ठीक है। जैसे कि अभी बता देता हूँ, देखो 1/5 + 1/5 5 तक जोड़ोगे आप, ठीक है, तो सारों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सारे को अगर 5 बार है तो 1 + 1 + 1 तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। तो 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया, 1 ओम आ गया, मैक्सिमम 1 ओम आएगा। क्योंकि मैं बता देता हूँ कैसे, सपोज करो 1/R, ठीक है, 1/1/1, ठीक है, 1/R इज इक्वल टू 1/R होता है, ठीक है। अगर मैं इस R1 की जगह में अगर पुट करता हूँ, क्या 1/R इज इक्वल टू 1/1/5 आएगा, ये बात क्लियर है? ऐसे करते मैं सब जगह यही आएगा, ठीक है। तो मेरा एलसीएम क्या आया, 1/5 आया, मैं एलसीएम क्या ले लेता हूँ, 1/5 ले लेता हूँ, ठीक है, और एलसीएम ले लेता हूँ तो सारे क्या आ जाएगा, 5 जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब ये 25 मैक्सिमम स्टूडेंट ने 25 भी किया होगा, देखो बच्चों ये 1/R इज इक्वल टू 25 है, ठीक है, 1/R इज इक्वल टू 25 है, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा करूँगा तो 1/25 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/25 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है, तो ऑब्वियस है 1 बड़ा होगा, तो मैक्सिमम 1 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ, द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू इन डूइंग सो इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट रिमेन अनचेंज द हीटिंग इफेक्ट इन रजिस्टर विल बी कम। तो क्या होगा, देखो एक फॉर्मूला होता है, आई स्केयर इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। अगर मैं आर को हाफ करता हूँ तो ये पूरी वैल्यू भी हाफ ही हो जाएगी, तो क्या आएगा इसका आंसर, हाफ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स, भाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट देता है, क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी में मैं आराम आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो कौन सी नहीं है, द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम इज बॉम्बार्ड विद हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आगे बढ़े, बिगेस्ट सोर्स ऑफ अर्थ एनर्जी, सबसे ज़्यादा सोर्स कौन सी, तो आप बताओगे सोलर रेडिएशन, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करें, क्योंकि देखो सूर्य है, सन से मिलती है हमें सोलर, ठीक है, तो ऑब्वियस सबसे ज़्यादा वही होगी। आगे बढ़े, फूड वेब इज़, भाई फूड वेब का मतलब क्या है कि भाई एक लिंक है किस किस के बीच में, फूड चैन के अंदर एक इकोसिस्टम फॉलो करता है, ठीक है। अगर सपोज करो बिल्ली चूहे नहीं खाएगी तो भाई चूहे चूहे हो जाएंगे सारी जगह, ठीक है, इसलिए इसको फॉलो करना पड़ता है, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा आज डिस्कसिंग का मतलब एक वो था, तो मैं बताता हूँ इसका पूरा क्लियर कर दूंगा आपको स्टूडेंट्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है पहली बात, तो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं पहले से, ओजोन इज मॉलिक्यूल फॉर्म, ओजोन क्या होता है, O3 होता है, और ऑक्सीजन क्या होती है, O2 होती है, और O की बता दोगे आप, इसे क्या बोलते हैं, नेशेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर ओ को क्या बोलेंगे, वैसे मैंने बता दिया है फिर भी एक बार आप कमेंट करना, ठीक है, देखते हैं नॉलेज चेक करते हैं। फिर लिखा हुआ है, ओजोन सील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यह अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है।
ओजोन इज डेडली पॉइजनस। अब बात करते जो ओजोन, ये ओजोन उस ओजोन की बात नहीं कर रहा, ये ओजोन गैस की बात कर रहा है। सो O3 है ना, ये ओजोन की बात कर रहा है, लेकिन ये डेडली पॉइजनस है। ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी। और देखो, ओजोन गेट डिकम्पोज बाय यूवी रेडिएशन, ये वाली इनकरेक्ट है। और एक बच्चों, एक थोड़ा सी कॉमन सेंस लगाने वाली बात थी, ये एक जगह तो ये बोल रहा है और एक जगह ये बोल रहा है। इट मीन्स बी और डी में से कोई एक स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी, गलत होनी चाहिए थी। और हमें ये तो कन्फर्म हो गया भाई, यूवी रेस हमें यह प्रोटेक्ट करता है, तो ऑब्वियस है दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अब देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, 13, 14, ये आपके क्या कहते हैं, अधिकथन और कारण बताना है इसमें। ठीक है, तो ये हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, आराम से देखिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे है। ये आपको बैलेंस इक्वेशन के बारे में बताना था, ठीक है, रीज़न बताने थे इनके बारे में। ठीक है, रीज़न बताने थे, एक सेकेंड। हाँ जी, अब सेक्शन बी पे पहुंच जाते हैं हम। सेक्शन बी भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईजी था भाई, पेपर ऑन एन एवरेज ठीक है। ठीक है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बताना था आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी का है, आप आराम से देख लीजिए, एक बार पॉज कर करके अपने क्वेश्चन उतार लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट थ्री डिफरेंशिएटिंग फीचर, भाई हमें भाई फीचर बताने थे अलोइंग के और ग्लोबलाइजेशन के। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि होता क्या है इसके अंदर, अलोइंग होता क्या है, अलोइंग यूज़ करते हो आप। ठीक है, तो उनके बारे में बताना था आपको कि भाई पेंट वेंट करने के, या फिर मतलब एक तरीके से स्ट्रेंथ देने के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अब पूरा पेपर एनालाइज करेंगे तो फिर मतलब पूरे क्वेश्चन आंसर बताएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, और स्टूडेंट इतना टाइम भी नहीं है, तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम मैथ का है। ठीक है, सो देख लेना। वैसे मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ क्या क्या आना है आंसर। ठीक है भाई, अगर सपोज करो कार्बन नंबर ऑफ 14 ग्रुप फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड एस्टिमेट। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बताना था आपको भाई, ओबेस है क्या कहते हैं, चार कैटनेशन पावर होती है ना इसके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो सीधा था क्वेश्चन, ही डिफाइन करना था इसके बारे में। तो आपके पास बुक होगी, लखमीर सिंह बुक, उसमें भी ये पूरा कंप्लीट है, इवोल्यूशन के बारे में बताना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इजी था कि भाई आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है, फोकल लेंथ दे दी है, तो पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, साइज ऑफ इमेज बताना, नेचर ऑफ इमेज बतानी है। ठीक है, और लेवल डायग्राम भी बताना है। ये हिंदी का है, आप आराम से इसको देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक बड़ा मस्त न्यूमेरिकल है, पूरा पूरा कंप्लीट, एक फॉर्मूला भी है, बिल्कुल पुट द वैल्यू गेट द आंसर था, बस क्या करना था, गिवन लिख देते हैं और उसके बाद फॉर्मूला पुट करो, आंसर आ जाता। ठीक है, पर्सन एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर मायोफिया भी और हेट्रोमायोफिया भी है, बता देते हैं आप कौन कौन से लेंस यूज होंगे, कौन के कॉनवेक्स किस में यूज़ होगा, कंडीशन क्या होगी कि भाई आई बॉल थिक होगी थिन होगी। ठीक है, दूर का दिखेगा पास का दिखेगा, उसका दूसरा नाम क्या होता है वो भी बता देते हैं आप। ठीक है, लेबल डायग्राम बताना था। ठीक है, बड़ा इजी, ये वाला इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अंदर आपको भाई प्रिज्म के बारे में बताना था। ठीक है, दो प्रिज्म के बारे में भाई, आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म लगा दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन के बारे में बतानी थी, कौन सी है, केमिस्ट्री से अपना ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी, एक बार ये आप देख लीजिए। ठीक है, बताना है कि भाई गोल्ड कोई क्यों यूज़ करा। ठीक है, औरों को क्यों, लोहे को क्यों नहीं भाई आभूषण बनाए, बना बने तो लोहे लोहे के ही बनते हैं, बट कोटिंग उस टाइप के होते हैं गोल्ड जैसी, मतलब कुछ हो, बट गोल्ड को ही प्रॉपर क्यों यूज़ किया गया। ठीक है, और बेस्ट क्वेश्चन देखो, डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना था, CaCO का, जैसे डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है एटोमिक नंबर। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, 2 6 6, तो 6 जो लास्ट वाले हैं ना, इसको डॉट डॉट कर दो बस, और क्या है। ठीक है, और इस CA के साथ है इसलिए इसके साथ रिएक्शन बना के दिखा देना आप। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बताना था। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड, भाई फूड कैसे मूवमेंट करता है, सांप देखा है कभी, सांप कैसे खाता है। ठीक है, उसी तरीके से फूड के बारे में बताना था। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में भाई, म्यूकस वगैरह के बहुत अच्छे से करा रखे हैं क्वेश्चन तो। ठीक है, जर्म सेल और फीमेल के बारे में, प्यूबर्टी लाइन आने के बाद क्या हो जाता है भाई, चेंज कौन कौन से चेंज आते हैं हमारे अंदर। ठीक है, इन सारों के बारे में बताना था। आगे बढ़ जाते हैं।
कितना इजी क्वेश्चन है। एक सर्किट बनाना था और इसके अंदर बताना था भाई 10 ओम, 20 ओम, ठीक है, और की के बारे में बताना था, की कैसे लगेगी, एमीटर सीरीज में लगेगा, पैरेलल में लगेगा, प्लग की क्या होती है, ये सब बताना था स्विच वगैरह के बारे में। तो ये बहुत बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और भाई हर करंट के उसमें पूछना था कि भाई किस किस रेजिस्टेंस में क्या क्या है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताना था, फ्यूज़ क्या होता है, नेसेसरी अप्लायंस कैसे होते हैं, और भाई घरों में कौन सा करंट आता है और क्यों आता है, वो भी सबसे मेन रीज़न है, ठीक है भाई। ओबीएस अगर डायरेक्ट करंट आ जाए तो एकदम, कई बार क्या होता है जब ज़्यादा करंट आ जाता है, ठीक है, तो सारे हमारे जो जितने भी टीवी वगैरह ये सब एकदम ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए भी है। और एसी करंट अल्टरनेट आता है तो बीच बीच में भाई हम, ताकि उसको अच्छे से, स्टेबलाइजर सुना होगा, पहले यूज़ करते थे, ठीक है। तो एक बार और मैं इसको मूव कर देता हूँ और वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना स्टूडेंट, ठीक है, और जितना 10वीं के स्टूडेंट के साथ आप शेयर करोगे उतना, जितने भी आपके भाई बंधु हैं सबके साथ शेयर कर देना, ठीक है। और आप ये एक बार मैं वीडियो एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप एक बार ये पूरा मूव कर देता हूँ, ताकि तुम्हारे पास एक प्रीवियस, मतलब अभी जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं मैं कह रहा, ये पुराने अब जो नए आएंगे, ठीक है, उनके लिए एक बार स्क्रॉल कर देते हैं ताकि वो इस पेपर को यूज़ कर सके नेक्स्ट अपने लिए, ठीक है। चलो ए ये आपका, यहाँ तक तो मैंने कर ही दिया था, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी, ठीक है, आते रहेंगी वीडियो, 11 से रिलेटेड भी आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, और मैथ की ट्रिक्स भी बताएंगी, कैलकुलेशन कैसे कैसे इजी की जाती है 11, 12।